भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। राम की नगरी प्राण प्रतिष्ठा के रंग में रंग बिरंगी नजर आ रही है, तो वह ऐतिहासिक क्षण में रामलला से जुड़े परिवार भी भावुक हैं, जिनका भगवान राम से सीधा संबंध है। ऐसे ही एक परिवार की कहानी हम आपको बता रहे हैं, जिनके यहाँ पीढ़ियों से रामलला के भोग की जिम्मेदारी है। अयोध्या की टेढ़ी बाजार के सीताराम भगवान राम के बाल भोग का पिछले 70 वर्षों से इंतजाम कर रहे हैं। 3 पीढ़ी से भगवान को बाल भोग लगा रहे हैं। भगवान श्री राम सीताराम यादव के हाथ की बनी रबड़ी का बाल भोग लेते हैं। भगवान के लिए दूध दही घी भी यही परिवार पहुंचाता है। कई पीढ़ियों से भगवान राम की सेवा कर रहे यह परिवार भगवान राम के विराजमान होने से लेकर और टेंटवास तक का भी साक्षी रहा है। भगवान के प्रति सीताराम यादव का परिवार अनोखा समर्पण कर रहा है। यह परिवार प्रतिदिन बाल भोग की रबड़ी बनाने का काम करता है। सीताराम यादव का परिवार भी भगवान के भव्य मंदिर में विराजमान होने पर उत्साहित दिख रहा है। यही नहीं, सीताराम यादव भगवान राम के मंदिर के लिए न्यायालय में भी गवाही दे चुके हैं। अब सीताराम यादव खुद प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देख उत्साहित नजर आ रहे हैं और वह 22 जनवरी को 11 किलो रबड़ी राम भक्तों में वितरित भी करेंगे। 70 वर्ष से बना रहे हैं, सुबह टाइम रबड़ी जाता है 5 किलो भोग, उसके बाद पेड़ा जाता है 2.5 किलो, दही जाता है जो काम रखता है, दूध जाता है रोज डेली, जो खीर बनता है। अच्छा, कितनी तीसरी पीढ़ी है? हमारे पिताजी देते थे, हम देते थे, अब हमारे बच्चे देते हैं। अच्छा, लेकिन कोर्ट में गवाही दिए थे, 2 गाड़ी मिली थी, ले जाकर हाई कोर्ट गवाही दे लाऊँ शाम के लेकर आया हूँ। तो हाई कोर्ट में मंदिर के पक्ष में दिए कि हाँ, वो मंदिर जब से हम जानते हैं, हमारे पिताजी बताते थे, बाबा बताते थे, हम मंदिर ही जानते। अच्छा, मंदिर बन रहा है, बहुत उत्साह है अंदर, बहुत खुशी है कि हाँ इस तरह के देखने को तो मिला, नहीं तो कोई हमें उम्मीद नहीं था कि हाँ इतनी जल्दी, लेकिन वो भगवान ही चमत्कार है कि हाँ जो देखने को, कोई मलाल नहीं है, न दिए न ध्यान हो, लेकिन उसका हम कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्या कहेंगे आप? हम कुछ ना है, हम उसके लिए अब न ध्यान हो ना उगरा हो तो उसके लिए। अच्छा, अब बदल रही मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या उकर रही उत्साह पे है। अच्छा, नहीं और पूरा अपार बहुत अंतर हो रहा है। अच्छा, कुछ भी बांटेंगे, 11 किलो दुकान पे ही बांटेंगे। अच्छा, हाँ, वहाँ जा पाएंगे ना जा पाएंगे तो वहाँ यहाँ बांटेंगे। कब बांटेंगे? 22 तारीख को के बाद। अच्छा,